मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज पटना में संपन्न हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 13 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। मंत्रिमंडल ने जातीय जनगणना के लिए एक ऐप और पोर्टल बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल के निर्णयों को जानकारी देते हुए कैबिनेट सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बताया कि नगर निकायों के नवीकरण की योजना को भी मंत्रिमंडल ने स्वीकृति दी है। गणना जातीय आधारित गणना, आपको जानकारी होगा कि यह कार्य आरंभ हो गया है और सब तैयारियां इसकी पूर्ण कर ली गई हैं। इसमें जो सॉफ्टवेयर निर्माण किया जाना था, ऐप और पोर्टल, उसके लिए जो परामर्शी का चयन है वह भी कर लिया गया है और उसमें वह 2,44,94,440 का व्यय होने पर स्वीकृति दी गई है।